नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होगा। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के उपरांत उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। कुल 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव अंतर्गत कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उपायुक्त ने बताया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत नामांकन की तिथि 3 मई 2024, स्क्रूटनी की तिथि 4 मई और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 मई 2024 है। मतदान की तिथि 20 मई 2024 है और मतगणना की तिथि 4 जून 2024 निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव स्वच्छ और शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु लगभग 18 कोषांगों का गठन किया गया है। 5 कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत कुल 628 मतदान केंद्र की संख्या है, जिसमें 19 कोडरमा में 429, 20 बरकट्टा में 146 और 21 बरही में 53 मतदान केंद्र शामिल हैं। 19 कोडरमा अंतर्गत 20,04,674 पुरुष मतदाता व 19,06,266 महिला मतदाता हैं। 5 कोडरमा लोकसभा अंतर्गत 5,325 दिव्यांग, 410 सर्विस वोटर और 80 प्लस मतदाताओं की संख्या 10,658 है। 5 कोडरमा लोकसभा अंतर्गत 19 कोडरमा में उपयोग होने वाले बैलेट यूनिट 1107, कंट्रोल यूनिट 523 और वीवीपैट 568 कुल 429 मतदान केंद्रों पर उपयोग की जाएगी। आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद समय सीमा के अंदर प्रचार प्रसार की सामग्री हटाई जाएगी। लोकसभा 2024 चुनाव की घोषणा ECI के द्वारा कर दी गई और कोडरमा 5 कोडरमा जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 5th फेज में चुनाव है, जिसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 26 अप्रैल 2024 है और डेट ऑफ पोल जो है वो 20 मई 2024 है। हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 कोडरमा में कोडरमा और हजारीबाग और गिरिडीह, इन तीनों का थोड़ा थोड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया पड़ता है, जिसमें प्रमुखता 19 कोडरमा में 429 हमारे बूथ्स हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की तो हमारे यहाँ पे 628 बूथ्स हैं, इंक्लूडिंग 30 बरकट्टा और 21 बरही के बूथ्स। तो इसको लेकर हम लोगों ने अभी सारे कोषांग का गठन कर दिया है। सारे कोषांग में लगभग हमारे 4300 पोलिंग पर्सनल्स की एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग जो है कार्मिक कोषांग के द्वारा करा दी गई है। इसके अलावा सभी बूथ्स को मॉडल बूथ बनाना है, तो उसके लिए अशर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और चूँकि हमारे पास टाइम काफ़ी है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 100% मॉडल बूथ जो है कोडरमा में बना दिया जाए। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे 4 चेक नाका अभी चालू है डिस्ट्रिक्ट में और नोटिफिकेशन के बाद वो स्टैटिक सर्विलांस टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके पहले भी काफ़ी सारे सीजर्स जो हैं चेक नाका पे किए जा रहे हैं, जिनकी एंट्री जो है इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में की जाएगी, सिस्टम में की जाएगी। इसके अलावा आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इन प्लेस आ जाएगा, तो इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ हम लोग आगामी 2 दिन के अंदर बैठक कर लेंगे, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे देंगे। इसी कड़ी में आज से उनके ऊपर FST VST जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम वगैरह होती है वो भी एक्टिव हो गई है और कुछ भी जो भी एक्टिविटी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या भावी कैंडिडेट के द्वारा की जाती है तो उसको उस पर ट्रैक रखा जाएगा ताकि कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो। लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सफिशिएंट संख्या में हम लोगों के यहाँ से इलेक्शन कराने हैं तो पुलिस बल की मांग कर दी गई है और हमें उम्मीद है कि वो हमें प्राप्त हो जाएगी। और बूथ जो हमारे वल्नरेबल और क्रिटिकल हैं वो फर्स्ट प्रिलिमिनरी जो है हम लोगों के यहाँ पे 163 बूथ्स आइडेंटिफाई हुए हैं। ये हो सकता है कि आगामी दिनों में आफ्टर एक्सरसाइज बाय सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर कम भी हो सकते हैं। थीम आधारित बूथ की बात की जा रही है, हाँ, इस बार ECI का डायरेक्शन है कि हम कोई थीम बेस्ड बूथ हम लोग बनाएं, चूंकि मतदाताओं को अर्बन एपैथी की जो हम समस्या देखते हैं तो उसमें अट्रैक्ट करने के लिए उनको, तो तिलैया डैम हमारे यहाँ पे एक विशेषकर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है हमारे यहाँ का, तो तिलैया डैम थीम का एक बूथ हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा रेडियो में काफ़ी जो मितलैया का नाम पॉपुलर हुआ करता था तो उसकी हिस्ट्री निकालते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ बना सकें। ग्रीन बूथ या जीरो कार्बन एमिशन या नो प्लास्टिक बूथ, इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग चाहते हैं। जैसे आज ECI के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने सुना होगा कि रिस्पेक्टेड CEC सर ने भी इसको कहा कि ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग बूथ पे कर सकते हैं मतदाताओं को और भी जागरूक करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए। वी टाइम न्यूज़ के लिए कोडरमा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।